हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू स्टैंडर्ड 8 मैथ्स क्लासेस फ्रॉम नोबलहुड स्कूल। आप सब लोग जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग में पाई चार्ट के रिलेटेड सम कर रहे थे। आज भी कुछ ऐसे ही सम है इस वीडियो में भी। एक्सरसाइज आपकी 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या है वो मैं रीड कर रहा हूँ। दैट जॉइनिंग पाई चार्ट, पाई चार्ट मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश, ये हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स सोशल साइंस एंड साइंस। इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वेर 540, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स वेर 540। तो अब चलिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको पाई चार्ट के ऊपर से देने हैं। पाई चार्ट में आपको एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल। अब टोटल मार्क्स 540 है और टोटल एंगल कितने का होता है सेंट्रल एंगल, वो आप सबको पता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कितना होता है, 360 डिग्री। अब इसमें हर एक के पर्सनल जो है वो एंगल गिवन है। सोशल साइंस का 65, मैथमेटिक्स का 90, इंग्लिश का 55, हिंदी का 70 एंड साइंस का 80। ठीक है, अब फर्स्ट वन क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट्स डिड दिस स्कोर 105 मार्क्स। 105 मार्क्स स्टूडेंट्स ने कौन से सब्जेक्ट में लिए हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें तो सब्जेक्ट के रिलेटेड एंगल की गिवन है। तो इन मार्क्स को पहले हमें एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मार्क्स को एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा मतलब एंगल फाइंड आउट करना है। जो फाइंड आउट करना है वो हम पीछे लिखेंगे। पहले टोटल वाला लिख देते हैं, गिवन है वो। टोटल मार्क्स कितने हैं, 540 मार्क्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, टोटल एंगल 360 का। तो हमें कितने मार्क वाला सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, 105 मार्क्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 105 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 540। ठीक है, ये 00 कट, 18 3 जा एंड 18 2 जा, तो ये 18 कट। अभी यहाँ पे देखिए 35 3 जा होगा 105, 3 कट, तो बचा क्या, 35 मल्टीप्लाई बाई 2 का आंसर क्या आता है, 70 डिग्री। अब इसमें से देखिए 70 डिग्री कौन सा सब्जेक्ट में है, हिंदी में। सो देयरफॉर स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी। कौन से सब्जेक्ट में इतने मार्क्स किए हैं स्टूडेंट ने, हिंदी में। क्लियर, समझ में आया? चलिए सेकंड वन पे जाते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वेर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथमेटिक्स में स्टूडेंट्स ने हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स कवर किए हैं, हिंदी में तो 105 आ गए हैं। अब मैथमेटिक्स में कितने हैं पहले तो वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मैथमेटिक्स का एंगल कितना है, एंगल ऑफ मैथमेटिक्स इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब एंगल पे जाते हैं। मैथमेटिक्स का एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे कितने मार्क्स होते हैं वो फाइंड आउट करेंगे। मार्क्स फाइंड आउट करने हैं तो मार्क्स बाद में लिखेंगे, पहले एंगल। एंगल 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 540 मार्क्स, टोटल एंगल एंड टोटल मार्क्स। तो मैथ्स का एंगल कितना है, 90 डिग्री इज इक्वल्स टू हाउ मेनी मार्क्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वापस करेंगे, 90 × 540 अपॉन, ये 90 × 540 अपॉन 360।
जीरो जीरो कट, सॉरी या तो ये जीरो भी कट कर लो, ये जीरो कट करो, चलिए कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा जीरो कट करते हो। 18 5 जा 90 एंड 18 2 जा 36 18 18 कट, अब ये होगा 27 2 जा 54 2 2 कट, तो 27 इंटू 5 करना है, इजी ट्रिक है, इसे वैदिक मैथ्स कहते हैं। चलिए मैं आपको वैदिक मैथ्स की एक शॉर्ट ट्रिक दे देता हूँ, किसी भी नंबर का आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसके पीछे जीरो लगा देना, 27 के पीछे जीरो मतलब 270 और उसका हाफ कर लेना है, उसके पीछे जीरो लगा कर उसका हाफ, 270 का हाफ कितना होगा 135, तो इधर आएगा 135। अब ये जो मार्क्स मिले आपको मैथमेटिक्स के मिले, अब कितने ज़्यादा मार्क्स हैं उसके लिए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सो देयरफॉर 135 मैथमेटिक्स के और हिंदी के कितने हैं 105, सो देयरफॉर 135 माइनस 105 कितना होगा, 135 माइनस 105 करोगे तो यस वेरी गुड 30, सो 30 मार्क्स मोर देन हिंदी इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में हिंदी से 30 मार्क्स ज्यादा स्कोर किए हैं स्टूडेंट्स ने, ठीक है। और थर्ड वन, एग्जामिन वेदर The sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than in science and Hindi. Examine whether, examine कीजिए कैसे, the sum of the marks obtained in social science and mathematics, social science and mathematics के जो marks हैं वो Hindi and science से ज्यादा है, कैसे ज्यादा है, तो हिंट भी दी है आपको, जस्ट स्टडी दी सेंट्रल एंगल्स, कितना ज्यादा है नहीं पूछा, सिर्फ आपको बताना है कैसे ज्यादा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स कितना होगा सेंट्रल एंगल इन दोनों का। देखिए मैथमेटिक्स का 90, सोशल साइंस का 65, 65 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 155 डिग्री, एंड सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस एंड हिंदी, साइंस का कितना है सेंट्रल एंगल 80 डिग्री प्लस हिंदी का कितना है 70 डिग्री, 80 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री, ठीक है। सो देयरफॉर मार्क्स ऑफ टेन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स is more than science and Hindi. Clear? अब और कुछ क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट, इसके बाद वाला क्वेश्चन हम लेंगे उसमें पाई चार्ट हमें बनाना है, ठीक है, पहले ये लिख लीजिए फिर हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट, आपको कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है उसका पाई चार्ट बनाना है, तो सबसे पहले सबके सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 72
एंड टोटल एंगल कितने का होता है सेंट्रल एंगल? यस 360 डिग्री। अब हमें सब्जेक्ट वाइज जो है वो लैंग्वेज फाइंड आउट सॉरी एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हिंदी, फॉर हिंदी स्टूडेंट्स कितने हैं हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले? 40 स्टूडेंट्स हैं। तो अब इसका सेंट्रल एंगल मुझे फाइंड आउट करना है, तो एंगल मैं बाद में लिखूंगा, जो फाइंड आउट करना है वो बाद में। पहले कितने स्टूडेंट्स हैं? 72 स्टूडेंट्स, तो उन टोटल स्टूडेंट्स है, तो उसका टोटल एंगल कितना होगा? 360 डिग्री। तो अब कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी एंगल? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 40 मल्टीप्लाई बाई 360 अपॉन 72। आप ध्यान से देखोगे तो ये 360 जो है ना वो 72 मल्टीप्लाई बाई 5 से मिलता है। तो 72 कट 45 का क्या होगा? 200 डिग्री। हिंदी का एंगल आपको 200 बनाना है, मतलब 180 से भी बड़ा, आपका प्रोटेक्टर से बड़ा होगा, लेकिन कैसे ड्रॉ करना है वो मैं समझाऊंगा आपको। फॉर हिंदी हो गया, उसके बाद क्या आएगा? फॉर इंग्लिश। इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स कितने हैं? 12। सो वापस सेम प्रोसेस करेंगे, 72 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सो देयरफॉर 12 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 मल्टीप्लाई बाई 360 अपॉन 72, ठीक है, 72 फाइव जा 360 होगा, 72 का 12 फाइव जा 60 डिग्री का एंगल होगा, किसका? इंग्लिश का। चलिए इंग्लिश के बाद क्या लेंगे? मराठी। फॉर मराठी, चलिए मराठी के स्टूडेंट्स कितने हैं? 9 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 9। तो वापस सेम प्रोसेस करेंगे, 72 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, 72 स्टूडेंट्स is equals to 360 degree, so therefore 9 students is equals to how many degree? Cross multiplication, 9 into 360 upon 72, वापस कट होगा ये 72 5 जा 72 72 का 9 5 जा क्या होगा? 45 degree। ये एंगल हो गया मराठी का। मराठी के बाद तमिल एंड बंगाली दोनों है। अब उसका कैलकुलेशन आपको इसकी तरह करना है, सेम प्रोसेस इसमें जैसे की है वैसे ही करनी है, मैं सिर्फ एंगल लिख देता हूँ। फॉर तमिल लिखना भी मैंने लिखा है वैसे ही लिखना है। फॉर तमिल लैंग्वेज स्टूडेंट्स कितने हैं? 7, तो उसका एंगल होगा 35 डिग्री का। एंड फॉर बंगाली उसके स्टूडेंट्स हैं 4, तो उसका एंगल होगा 20 डिग्री का। क्लियर? अब इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है? मैं सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करता हूँ वीडियो स्टॉप करके, ताकि वीडियो का टाइमिंग बच जाए। आप भी पहले सर्कल ड्रॉ कर लो। चलिए अभी मैंने एक सर्कल अच्छा वाला ड्रॉ कर लिया है मेरे जैसा। अभी हम आगे जाते हैं, एंगल्स ड्रॉ करेंगे। मैंने बोला हिंदी का आपके इसमें नहीं आता 200, तो उसे अभी छोड़ देना, हिंदी अपने आप बन जाएगा। इंग्लिश 60 डिग्री, तो मैं 60 डिग्री का पहले एंगल बनाऊंगा। तो पहले कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर लूंगा, ये हो गई। अब इससे 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री की लाइन, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो ये हो जाएगा हिंदी का नहीं है, ये किसका है लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का है? इंग्लिश का 60 डिग्री। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 60 डिग्री एंड सब्जेक्ट का नेम लिख दूंगा इंग्लिश, हो गया 60 का। अब 60 के बाद क्या आता है?
इंग्लिश के बाद आता है मराठी, मराठी का एंगल कितना है 45, तो इसको सेंटर लेके 45 कर दो, ये जीरो वाली लाइन है नीचे, तो नीचे के फाइंड आउट करेंगे एंगल, ये 45, ये 45 हो गया। तो चलिए अब 45 की लाइन भी ड्रॉ कर देंगे, रेडियस ठीक है, ये हो गई 45, एंगल इज 45 डिग्री एंड कौन सी लैंग्वेज है मराठी, तो इधर मैं मराठी लिख दूंगा। फिर उसके बाद है तमिल, तमिल का है 35, तो चलिए तमिल का 35 लेते हैं, मराठी की जो सेकंड लाइन आई उससे ही लेंगे 35। से अगर जीरो काउंट करेंगे तो यहाँ पे होगा 35 हमारा ठीक है। तो चलिए अब उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं हम, ये एंगल हमारा हुआ 35 डिग्री एंड ये लैंग्वेज है तमिल। अब उसके बाद बंगाली का 20 डिग्री, चलिए बंगाली लैंग्वेज वापस, जो तमिल की दूसरी लाइन आई उसको सेंटर लेना पड़ेगा। अब 20 डिग्री देखिए यहाँ पर है, ये है 20 डिग्री, चलिए अब उसकी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे 20 डिग्री की, तो ये बंगाली का सेंट्रल एंगल हो गया। इधर लिख दूंगा लैंग्वेज बंगाली। अब जो बचा वो अपने आप एंगल जो है वो 200 का हो जाएगा, आपको है नहीं, ये एंगल होगा 200 का एंड इट इज द सब्जेक्ट हिंदी। ये हो गया पाई चार्ट, पाई चार्ट वाले सम खत्म। अब चांस एंड प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेरी क्वेरी है तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। खास इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आप हमारा वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ठीक है। हर एक वीडियो का हर एक कंटेंट अच्छे से हम करवाते हैं एंड स्पेशली किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी के लिए एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर इज 9016411447। गुड बाय, जय हिंद।